गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। जो भी आपका थर्ड चैप्टर आपके मॉड्यूल के हिसाब से रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखो किस तरीके से आपको काम करना है। इसमें हो सकता है दो वेरिएबल हो सकता है एक वेरिएबल हो। सबसे पहले अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स पे हम फिर जाएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स नंबर इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब तो क्या होता है, आपके पास दो चीजें नजर आ रही होती हैं, LHS RHS, इस टाइप के आप इक्वेशंस बोलते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन आपको जैसे दो टाइप में पढ़नी है, एक वन वेरिएबल में, एक टू वेरिएबल्स में। अगर आप बात करते हैं तो देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या रहेंगी, वन वेरिएबल में फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसा लिख दिया, टू वेरिएबल में फॉर एग्जाम्पल आप दो वेरिएबल लेके चल रहे हो, आपने कुछ ऐसा कर दिया। ये दो टाइप की इक्वेशंस आपको नजर आ रही होंगी, इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, एक्स प्लस वाई। इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो आपके पास लीनियर क्यों है ये समझो, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री रहेगी वो डिग्री आपके पास वन रहेगी। डिग्री का मतलब ये है पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे उनकी पावर को अगर आप देखोगे तो आपको वो पावर वन नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर आप एक्स की पावर यहाँ पे देखें तो देखो एक्स की पावर वन नजर आ रही है। यहाँ पे अगर एक्स और वाई दोनों की पावर देखें तो आपको दोनों की पावर क्या नजर आ रही है, वन वन नजर आ रही है। ये आपके पास इनकी डिग्री वन रहती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। इसमें वेरिएबल एक है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल दो है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके टॉपिक शुरू होता है अब ये, ठीक है। अब लीनियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हो सकता है एक वेरिएबल हो सकता है दो वेरिएबल, उन सभी की पावर आपको वन नजर आ रही होगी, इसलिए आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां तक शायद सब कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। सबसे पहले हम वन वेरिएबल को देखो थोड़ा क्लियर करते हैं कि व्हाट इज वन वेरिएबल, ठीक है। अगर हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक को क्लियर करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर आप एक वेरिएबल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपने दो केस लिखे हैं यहाँ पे, एक तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक आप लिख के चलते हो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो ग्राफ आपके आगे बनाऊंगा मैं, एक का आएगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक आएगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में क्या रहेगा, जब भी आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे ये जो ग्राफ रहेगा ये पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ रहेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस चलता है। देखो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल से समझे, जैसे मान लीजिए आपने x को 2 ले लिया, जब आप ग्राफ बनाने लगे ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, मान लीजिए 0 ओरिजिन, ये जो लाइन है ये लाइन x इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट देखो वो सारे पॉइंट्स पे x की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की चेंज हो सकती है, x की वैल्यू हर एक पॉइंट पे 2 चलती है। आप इस पॉइंट पे देखोगे तो भी x2 है, इससे ऊपर देखोगे तो भी x2 है, उससे ऊपर देखो तो भी x2 है। हाँ y चेंज हो सकता है लेकिन x की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या बोली जाती है, x इज इक्वल टू 2। अगर आप ग्राफ देखो तो ये किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस चलता है, ठीक है। और ये आपके आगे एक एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 का, एक स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ जो कि पैरेलल टू y एक्सिस चलता है। और ध्यान रखना लीनियर इक्वेशंस, चाहे वो वन वेरिएबल की बात हो चाहे वो टू वेरिएबल की बात हो, दोनों का ग्राफ हमेशा लीनियर चलेगा। अगर मैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात करूं, अगर इस जगह बात करते हैं तो ग्राफ देखिए क्या आएगा, ग्राफ जो आएगा वो आएगा पैरेलल टू x एक्सिस। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर आप x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ देखते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल जाता है। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ देखते हैं तो पैरेलल टू x एक्सिस जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने ले लिया y इज इक्वल टू -1, अगर आप -1 को ड्रा करने लगे हैं तो देखो ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये 0 ये -1, अगर आप ये लाइन ड्रा करोगे ऐसे तो ये रहेगी y इज इक्वल टू -1 की लाइन। ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। ये ग्राफ ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है किसके पैरेलल चलती है, x एक्सिस के। इस लाइन पे कहीं भी आप वैल्यू देखो x की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन y की वैल्यू हर जगह आपके पास -1 रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे देख लो यहाँ पे हर जगह आपको y -1 नजर आ रहा होगा। और ये पैरेलल टू किसके चलते, x एक्सिस के। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपके पास दो टाइप के केस रहेंगे। एक को बोला जाएगा
x is equal to constant, एक को बोला जाएगा y is equal to constant, x is equal to constant with example मैंने आपको बता रखा है कि इसका graph parallel to y axis जाएगा और y is equal to constant का graph parallel to x axis जाएगा, ये linear equation in one variable की बात आती है। अब मेरी बात को एक बार समझना, जिस बच्चे को board clear है, मेरी sound clear है, topic समझ आ रहा है, raise your hand। बाकी देखिए भी आगे इन सभी चीजों को आप नोट करते चलना, ये भी जो आपको अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की थी, ठीक है। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन इन और टू वेरिएबल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखी मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन लेके चलते हो, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया है, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक एक्स और एक वाई। अब देखो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान देना। हो सकता है मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, पहला जो केस है, पहले केस में मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख के चलता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिया मैंने, इसको लिख दिया ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई माइनस सी। मैं x निकालना चाहूं तो माइनस बी वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, मैंने कुछ ऐसा लिखा। इसका मतलब अब क्या हुआ, ऐसे इक्वेशन लिखने पे क्या आया कि x किस पे डिपेंड कर दिया आपने, y पे, x डिपेंड्स ऑन y। अगर आप y की वैल्यू चेंज करोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी। अगर ऐसे कुछ भी लिखते हो आप, इस इक्वेशन को रीराइट करके अगर आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो y रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसा वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो आपका रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। आप ध्यान से समझ सकते हैं इस चीज को, y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप इस इक्वेशन को चेंज करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली इक्वेशन को चेंज करके अगर आप इस तरीके से रीराइट करके लिखते हो कि x इन फॉर्म ऑफ y, आप y इधर ले आए, x को इधर ही रखा है, तो इसमें y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है, x को आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है, x किस पे डिपेंड है, y पे रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही, ठीक है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कंडीशन चेंज हो सकती है, हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसा ना लिख के इस तरीके से लिखे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं यहां से चेंज करके इसको ये लिखता हूं, अब पहले मैंने x फाइंड किया था, अब मैं y फाइंड करता हूं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अगर मैं y फाइंड करता हूं तो माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। अब आपने चेंज करके इसको ऐसे लिख दिया, पहले आपने लिखा था x इन टर्म्स ऑफ y, अब आपने लिख दिया y इन टर्म्स ऑफ x। पहले आप x को y की फॉर्म में लिख रहे थे, अब आप y को x की फॉर्म में लिख के चल रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो अब देखो आपने x को बना दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस केस में आपके पास x रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y रहेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो दोनों केसेस को समझो, दोनों केस है सेम ही, सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसी इक्वेशन को लिखने के दो तरीके समझाए आपको, पहले में क्या किया मैंने x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड किया, दूसरे में मैंने क्या किया y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड किया, ठीक है। अब इसमें देखो वेरिएबल दो है आपके पास, एक x और एक y, हमेशा एक डिपेंडेंट बनेगा एक इंडिपेंडेंट बनेगा, वो लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ऐसे इस इक्वेशन को लिखते हो तो इसका मतलब आपने x को y पे डिपेंड करवा दिया, x डिपेंड्स ऑन y, आप y चेंज करोगे x चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को चेंज करके y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हो, पहले आपने x इन टर्म्स ऑफ y लिखा था, अब आपने y इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया,
तो इसका मतलब आप y को किस पे डिपेंड करवा रहे हो, x पे डिपेंड करवा रहे हो, तो इसका मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था, आप एक ही वेरिएबल यूज कर रहे होंगे, वहां पे दो टाइप की आपको इक्वेशंस नजर आई होंगी, या तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हो तो वो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आ रहा था, मैंने आपको समझाया अभी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके चलते हो तो वो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आता है, वो दो टाइप के आपको मैंने इक्वेशंस समझाई वहां पे। इसके बाद मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे गया। अब दो वेरिएबल में लिखने के दो तरीके हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है आप x को इंडिपेंडेंट y को डिपेंडेंट बना रहे हो सकता है आप y को इंडिपेंडेंट और x को डिपेंडेंट बना रहे हो। इसका मतलब ये है x depends on y और ये है y depends on x। ये आप नोट करते चलना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये टॉपिक है, जिसमें पहले स्टार्टिंग में मैंने वन वेरिएबल के बारे में बताया, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलेंगे सभी बच्चे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे की कंडीशन सुनिए आप। देखो जो चीज मैंने अभी समझाई है, मैं इसी को एक एग्जांपल की हेल्प से लिखता हूं। कोई बच्चा जैसे इक्वेशन लेके चलता है 2x plus 3y is equal to 5, आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको लिखने के दो मेथड है। हो सकता है कोई बच्चा इसको ये लिखे 2x is equal to 5 minus 3y, x is equal to 5 minus 3y divided by 2, ये आपके पास एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपने इस जगह पे y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। आप y की वैल्यू आराम से कुछ भी वैल्यू रखते रहो, y इंडिपेंडेंट है, डिपेंड तो क्या है x किस पे, y पे। अगर आप x लिखना चाहो तो x को यहाँ पे नाम दिया जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, डिपेंड्स ऑन y। हो सकता है कोई बच्चा इस इक्वेशन को इस तरीके से ना लिखे और चेंज करके कुछ ऐसा लिख दे 3y is equal to 5 minus 2x। अब आप यहां से y फाइंड करो तो 5 minus 2x divided by 3, ये आपके पास y है। अब y depends on x, यहां पे जो x रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो x रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y रहेगा वो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे y depends on x, यही मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जस्ट हम बेसिक्स की अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम केवल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। यहां तक एक बार मैं फिर पूछता हूं, यहां तक जिस बच्चे को बिल्कुल बोर्ड क्लियर है, बिल्कुल साउंड क्लियर है, समझ आ रहा है सारा, रेज योर हैंड। नोट्स आप बनाते चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए, अब यहां तक सारा क्लियर होता है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस पे ही और आगे चलते हैं। आपके दो टाइप के वेरिएबल हमने बात की, ग्राफ मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, अगर आप ग्राफ की बात करें तो मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ऐसा लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया, इसका जो ग्राफ आएगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फॉर एग्जांपल देखो स्ट्रेट लाइन कुछ भी आ सकती है, हो सकता है कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ रही हो, एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आए, जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आए, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास हो, ठीक है। कुछ ऐसी भी इक्वेशंस आ सकती हैं जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, ये भी एक ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का,
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैंने कोई लाइन ले रखी है ठीक है, उसका मैं ग्राफ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये क्लियर है कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ये ध्यान रखना ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखो इसका मीनिंग समझना, मान लीजिए मैं इस पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, पहला हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कोमा वाई वन हो ठीक है, हो सकता है मैं कोई और पॉइंट लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू कोमा वाई टू हो, हो सकता है कोई और कोऑर्डिनेट लेते हैं इस पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री हो सकता है एक्स फोर वाई फोर हो। अब आप इस टॉपिक को ध्यान से समझो, ये जितने भी पॉइंट मैंने मार्क किए हैं ये सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं जैसे पी क्यू आर एस, ये चार पॉइंट मैंने आपको दिखा रखे हैं, पी क्यू आर एस जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल फोर पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन, किसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैं एक्स की जगह एक्स वन रखू, वाई की जगह वाई वन रखू, तो एल एच एस और आर एच एस पार्ट बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूं तो देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो वैल्यू आपका सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.2, अगर किसी लाइन को 1.2 का मतलब है कि उसका एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 1 ले रहा हूं, वाई की वैल्यू 2 ले रहा हूं, 1.2 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब 1.2 इसका सॉल्यूशन है। तो एक लाइन के अब देखो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, पी भी इसका सॉल्यूशन है, क्यू पॉइंट इसी पे लाई करता है इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन है, R पॉइंट इसी पे लाई करता है इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन है, S पॉइंट इसी पे लाई करता है इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन है। अब देखो P Q R S मैंने केवल चार पॉइंट्स आपको दिखाए हैं, चारों पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे, लाइन पे लाई करने का मतलब होता है कि इन पॉइंट्स को अगर मैं इक्वेशन में रखूं तो एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है, उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात समझो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आप एक सिंगल इक्वेशन लेके चलते हो, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, क्यों, जितने भी पॉइंट उस पे लाई करते हैं वो सारे के सारे उसका सॉल्यूशन है। पॉइंट का लाइन पे लाई करना ही मतलब ये हो जाता है कि वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है ठीक है। अब एक लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं, अगर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं और सारे पॉइंट उनके सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ये पी क्यू आर एस इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब पी क्यू आर एस आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के ये सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया कि x और y की वो वैल्यू जो LHS को RHS के बराबर कर दे, मतलब गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है ठीक है। तो इसका मतलब P, Q, R, S सारे उसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब सारे के सारे उसका सॉल्यूशन है। और सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि P, Q, R, S वो इसलिए सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि उस लाइन पे लाई करते हैं। क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि देर आर, ये ध्यान देना, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, पहला कंसेप्ट ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, एंड ईच पॉइंट विच लाई ऑन which lies on that line is solution of that line या that equation, जो point उस line पे lie करता है वो point उसका solution कहलाता है। clear। इसका मतलब ax plus by plus c is equal to zero has infinite many solutions, has infinite many solutions।
ax plus by plus c is equal to 0 has infinite many solutions. There are infinite many points lies on a straight line. देखो जो बार बार मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक को समझो, एक लाइन के ऊपर बहुत से पॉइंट लाई करते हैं और सारे पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाते हैं. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट एक्स और वाई की वो वैल्यू जो LHS में रखते हैं RHS के बराबर दे दे तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाती है. तो यहां से आपके पास इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं और सारे सारे पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. किसी भी इक्वेशन के ax plus by plus c is equal to 0 अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई भी एक लाइन लेके चलते हैं उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है. नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है. मैं एक बार फिर पूछता हूं बीच में कि जिसको ये टॉपिक क्लियर होता चल रहा है, बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, साउंड क्लियर है, रेज योर हैंड. नोट्स जरूर बनाते चलेंगे. देखिए बहुत ही कम बच्चे आज आपकी क्लास के इसमें लाइव में जुड़े हुए हैं, बाकी सभी बच्चों को बोलो कि अपनी लाइव क्लास को अटेंड करें, ठीक है. बाकी एक बात बता देता हूं, ये जो भी लाइव क्लास चल रही है ये एज इट इज रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो आपको अभी थोड़ी देर बाद इसका लिंक मिल जाएगा. अगर कोई टॉपिक कम समझ आता, आपको लगता है ये नोट नहीं कर पाए, इसको दोबारा देखना है, ठीक है, आपको एक वीडियो में सेंड कर दूंगा सेम यही जो अभी चल रही है, ये आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं. यहां तक आप नोट्स जरूर साथ साथ बनाते चलना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा कि मैं बार बार रुक के आपको टाइम दूं कि ये अब नोट कर लो, तो 40 मिनट की क्लास होती है जिसमें तो फिर सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, ठीक है. हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे थे, इसे आगे देखिए. इसे आगे हम बात करते हैं. अब मैंने फिलहाल एक इक्वेशन ली थी, मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूं. देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्वेशन ली 2x plus 5y is equal to 7. मैं मान लीजिए कोई इक्वेशन लेके चलता हूं. अब ये कहते हैं सर इसका हम ग्राफ बनाएं. एक तो ग्राफ कैसे बनेगा पहली बात, दूसरी बात ग्राफ बन जाता है ठीक है तो सर पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. मान लो कोई ये कह दे कि फाइंड द थ्री सॉल्यूशंस, कि इनके तीन सॉल्यूशन बताइए कि तीन सॉल्यूशन क्या होंगे इस इक्वेशन के 2x plus 5y is equal to 7 के. मान लीजिए तीन सॉल्यूशन पूछ सकता है, हो सकता है चार सॉल्यूशन पूछ ले, हो सकता है पांच सॉल्यूशन पूछ ले, तो कैसे सॉल्यूशंस आप फाइंड करोगे. मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक टॉपिक समझाया था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाएंगे, ठीक है. अब उसी हिसाब से आप इसका ग्राफ बना पाओगे. देखो ग्राफ बनाने का एक आसान सा तरीका तो ये है कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार तो x को जीरो कर देंगे, एक बार y को जीरो कर देंगे, ठीक है. ग्राफ बनाने का तरीका समझना, अगर मैं x को जीरो करता हूं, अगर आप x को जीरो करते हो तो वी गेट 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 7, वी गेट y इज इक्वल टू 7 बाई 5. तो जो पॉइंट आया उसमें पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर आपके पास y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा. तो ये वो पॉइंट है जो लाइन पे लाई करेगा, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो इसका सॉल्यूशन है. आपको एक सॉल्यूशन भी मिल गया और आपको एक लाइन ड्रा करने के लिए पॉइंट भी मिल गया. किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए आपके पास कम से कम दो, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट आपको दो पॉइंट्स की जरूरत रहेगी, ठीक है. दूसरा पॉइंट आप फाइंड करने के लिए, आप वाई को अगर आप जीरो करते हो तो वाई को जीरो करते ही वी गेट 2x plus 0 is equal to 7. ठीक है, वी गेट 2x इज इक्वल टू 7, वी गेट x इज इक्वल टू 7 बाई 2. तो आपके पास एक पॉइंट आया x कोऑर्डिनेट 7 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट 0. ये देखिए 2x plus 5y इज इक्वल टू 7, 2x plus 5y इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन है, ठीक है. इसमें हमने दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं. पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 अगर हमने रखा तो आएगा 0 plus 5y इज इक्वल टू 7, तो यहां से आया 5y इज इक्वल टू 7, तो y आया 7 बाई 5, तो इसका पॉइंट आएगा 0, 7/5. दूसरा अगर हम पॉइंट लेके चलते हैं, दूसरे पॉइंट में हमने y को जीरो कर दिया, अगर आप y को जीरो करते हो तो वी गेट 2x plus 0 is equal to 7, ठीक है. तो वी गेट 2x is equal to 7, तो x is equal to 7 by 2. ये आपके पास b पॉइंट है,
इधर आपके पास ए पॉइंट नजर आया, इधर आपके पास बी पॉइंट नजर आया, अगर आप ग्राफ बढ़ाने लगते हैं तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से 2D का डायग्राम होता है। एक में आप एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, एक में आप वाई एक्सिस लेके चलते हैं। हमें पहला पॉइंट पता है 0.75/5। मैं आपको रफली दिखा रहा हूं फिलहाल कि 7/5 मतलब 1. समथिंग आपके पास कोई पॉइंट रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैं 0 लेके चलता हूँ, यहाँ पे 1 लेके चलता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1, 2, 3 कुछ ऐसे चलता हूँ। अब पहला जो पॉइंट उस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 7/5 मतलब नियर अबाउट कुछ भी आपने रफली आइडिया ले लिया कि हो सकता है ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा 0.75। हम बी पॉइंट की बात करते हैं 7/2 मतलब 3.5, तो लगभग ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा और इसके साथ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपके पास एक बी पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला दें एक स्केल के एम से, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये रहेगी 2x + 5y = 7। ये तो ग्राफ बनाने का तरीका हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो कि 2x + 5y = 7 का ग्राफ जैसे मैंने समझाया है। एक बार आप x को 0 लो तो एक पॉइंट आएगा, एक बार आप y को 0 लो तो आपके पास एक पॉइंट आएगा। ठीक है, अब आप दो एक बार एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो, एक बार दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो, अगर आप दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई, वो स्ट्रेट लाइन होगी 2x + 5y = 7। 2x + 5y = 7 आपके पास ये इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब कोई ये बच्चा कहे कि सर आपने कहा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, देखो इस पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे ये सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस हैं। ये देखो ये सारे इसी के ही तो सॉल्यूशन है, जितने भी पॉइंट आपको इस लाइन पे नजर आ रहे हैं कोई भी पॉइंट उठा लो वो सारे के सारे इसी के सॉल्यूशन होते हैं 2x + 5y = 7। अब कोई कहे कि सर हमें तो चार सॉल्यूशन निकालने हैं, तो देखो चार सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या रहेगा ना, अब हम क्या करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट मैं यूज करता हूं। अब आपके पास इक्वेशन थी 2x + 5y = 7, इसको मैं चेंज करके मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं 7 - 5y / 2, x = 7 - 5y / 2। ये आपके पास एक कंसेप्ट आया, इसमें अब y तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पे आपके पास y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंड्स ऑन y। ठीक है, इसके बाद रहेगा क्या, आप जो पॉइंट्स निकालना चाहें जितना सॉल्यूशन निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल देखो सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, हो सकता है कोई बच्चा y को 1 रख रहा हो, अगर आप यहां पे y को 1 रखोगे तो वी गेट x = 7 - 5/2, 2/2 क्या आ रहा है 1, तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया क्या 1, 1, x पहले x लिखा जाएगा। देखो सॉल्यूशन हमेशा इस तरीके से लिखे जा रहे होंगे, पहले x फिर y, तो इसमें x की वैल्यू 1 आई तो y की वैल्यू 1 है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है 1, 1। हो सकता है कोई बच्चा ये कह दे कि सर y को हम 2 रखेंगे, 2 रख लो कोई दिक्कत नहीं है, x = 7 - 10/2 - 3/2, आपके पास एक दूसरा सॉल्यूशन आ गया जिसमें x की वैल्यू -3/2 है और y की वैल्यू आपके पास 2 है। ऐसे जितने मन करे उतने सॉल्यूशंस निकाल लो, ये सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहे होंगे कंफर्म है। कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं तो y को माइनस लेके चलना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप y को माइनस लो, प्लस लो, जीरो लो, सभी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप y को -1 रखते हो तो 7 - 5 - -1/2, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वी गेट 6, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन आपके पास क्या आया 6, -1। ऐसे आपके पास ये सारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है मैंने आपको क्लियर एक आइडिया दिया है, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या है, एक बार आप x को 0 लो, एक बार आप y को 0 लो, अगर आप x को 0 लेते हो तो y आएगा, y को 0 लेते हो तो x आएगा, जब आपने x को 0 लिया तो y आया 7/5, तो आपके पास एक पॉइंट आया 0.7/5, जब y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी 7/2, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आता है 7/2, 0। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D की बात करें तो एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक प्लेन को, ये बोर्ड आपका एक प्लेन है जिनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और
फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोऑर्डिनेट्स जो चलते हैं वो इस हिसाब से चलते हैं, एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब करना कैसे है, आपने दो पॉइंट लिए थे, एक 0.7/5, एक आपने पॉइंट लिया था 7/2.0, दोनों को रफली आपने, फिलहाल मैंने इस पर रफली रिप्रेजेंट किया है, और दो पॉइंट्स को मिलाने पे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो स्ट्रेट लाइन आपको ही नजर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन इसी का ग्राफ है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इसके सॉल्यूशन है, पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होते हैं, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन कर दो आप, मैंने यहाँ पे y इंडिपेंडेंट x डिपेंडेंट बनाया, मैं y की वैल्यू फटाफट धड़ाके से लिखता चल रहा हूं कि y की कुछ भी वैल्यू लिखो आप बी गेट ए न्यू वैल्यू ऑफ x, तो वो सारे सॉल्यूशंस आपको मिलते चलेंगे, आप तीन रहोगे तो तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे, चार चाहोगे तो चार सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां तक शायद टॉपिक सारा समझ आ रहा होगा, इसके बाद आगे की जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे।